मैं मिस सवाना, आज क्लास 5 को सब्जेक्ट हिंदी लेसन 10 हम कुछ करके दिखलाएंगे कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता के कवि कौन है? श्री राम नरेश त्रिपाठी। तो हम कुछ करके दिखलाएंगे, इसका मतलब होता है संसार में बहुत सारे मनुष्य आते हैं लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से इस संसार में अपना नाम कमाते हैं। तो इंसान को वैसा होना चाहिए जो जरूरतमंदों की मदद कर सके ताकि उनके जीवन को आसान कर सके और उनके जीवन को हम क्या कर सके, सुखमय बना सके, ताकि उनको भी जीवन का आनंद वो प्राप्त कर सके। तो आज हम लोग इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। शौक का मतलब होता है रुचि। हर इंसान का कुछ ना कुछ शौक होता है। यहाँ बोल रहा है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, कि मेरा ये शौक है, ये अरमान है, मेरा ये इच्छा है कि हम भी कुछ करके दिखलाएं। मरने वालों की दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। लेकिन जो लोग मर गए, जो लोग इस दुनिया से अच्छे काम करके गए हैं, जिनको आज भी लोग याद करते हैं, जिनको आज भी लोग पूछते हैं, तो आज हम भी वैसा कुछ काम करेंगे ताकि मेरा भी नाम जो हो मरने वाले जो लोग मर गए हैं उन लोगों की दुनिया में मेरा भी नाम क्या हो जाए, अमर हो जाए। अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता। तो हम ऐसा काम करेंगे जो कि हम भी मरने वालों में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, लेकिन हमें सभी लोग क्या करें, याद करें, ताकि हम अमर हो जाए। जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर ना किसी की छाया है। जो लोग गरीब भिखारी है, जो लोग गरीब है, भिखारी है, जिन पर मतलब किसी का कोई उस पर कोई लोग उसको मदद नहीं करता है, तो हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जिस लोग पर, जिन लोगों पर, जो लोग गरीब हैं, भिखारी है, जिन पर कोई लोग भी ध्यान नहीं देता है, उसकी मदद नहीं करता, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, हम वैसे लोगों को गले लगाएंगे और उनको सुखी बनाएंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम उनको वो जीवन का हर सुख दे सकें, उनकी हर ज़रूरतों को कोशिश करेंगे पूरा करने की, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको हम उनको मदद करेंगे। तो हम वैसे लोगों को गले लगाएंगे और उनका जीवन को क्या करेंगे, हम सुखी बनाएंगे, ताकि वो भी जीवन का आनंद ले सकें। अब हम लोग कविता की अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नजर में है। मतलब जो लोग अंधेरा में पढ़ा है, अंधकार में पढ़ा है, अंधेरे का मतलब होता है अंधकार। जो लोग अंधकार में है, जो पढ़ लिख करके भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अपने ही नहीं नजर में है, वो नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं, या मेरे अंदर क्या गुण है, या मेरे अंदर क्या खूबी है, वो अपने आप को ही नहीं पहचान सक रहा है। उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो हम वैसे लोगों के घर के हर कोने में, उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, मेहनत करना, और दीपक, दीप का मतलब होता है दीपक जलाना। दीपक जब जलता है तो वो क्या होता है, अंधकार को दूर करता है, वो रोशनी फैलाती है। वही बोल रहा है क्या कि हम उन लोगों के घर में क्या करेंगे, उद्यम का मतलब मेहनत का दीप जलाएंगे, उनको बोलेंगे मेहनत करने के लिए, ताकि आप भी मेहनत करके जीवन में कुछ कर सकते हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, उनको रोको मत, आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम जो हम आज़ाद देश में जो सांस ले रहे हैं, हम आज़ादी के रखवाले हैं, क्योंकि हम आज़ादी के, हम क्योंकि आगे चल के हमें भी इस आज़ादी को क्या करना है, बरकरार रखना है, इसे वापस से हमको गुलाम नहीं करना है, तो हम आज़ादी के क्या हैं, रखवाले हैं, सिपाही हैं। अब हम लोग कविता की अगली पंक्ति पढ़ेंगे। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। मातृभूमि का मतलब हुआ अपना देश, और सर्वस्व का अर्थ हुआ सब कुछ, अपना सब कुछ। हम अपने देश के लिए अपना सब कुछ क्या कर देंगे, लुटा देंगे, अपने देश का सेवा करने में हम अपना क्या करेंगे, सब कुछ लुटा देंगे, त्याग कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों, वीर मतलब होता है बहादुर, बहादुर, हम उन बहादुरों के बच्चे हैं जो गुजर गए, जो लोग मर गए हैं, हम उन, वो जो है वो अमर है, और हम उन बहादुरों के बच्चे हैं जो धुन के मतलब अपनी लगन के, मेहनत के, वो क्या थे, सच्चे और पक्के थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे।
तो हम उनका जो वो करके गए हैं हम उनका नाम को और क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनके नाम को हम बदनाम नहीं करेंगे और जग में और पूरा दुनिया में क्या करेंगे, हम अपना नाम कमाएंगे। तो कवि कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रही है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको जो भी ज़रूरत हो उन ज़रूरतों को उनको पूरा करना है। और जो लोग करके गए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन सब लोग नाम नहीं कमाते हैं, उसमें से कुछ ही लोग नाम कमाते हैं। हमें वैसे लोग बनना है जो कि इस दुनिया में रह करके हमको क्या करना है, अपना नाम को क्या करना है, आगे बढ़ाना है ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे क्या करें, याद करें। तो आप लोग इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और अगले चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।